आज मैं कह रहा हूँ कि भाई मोबाइल के पीछे ये वस्तु इस तरह से रख लेने से, मोबाइल के पीछे ये चीज इस प्रकार से रख लेने मात्र से तुम्हारा नंबर अनब्लॉक हो जाएगा, तुम्हें तुरंत फोन आएगा, तुम्हें खूब सारा प्यार मिलेगा और फोन से संबंधित कभी भी कोई तकलीफ आने ही नहीं पाएगी। सबसे बड़ा संकट यही है कि उनका फोन नहीं आ रहा, सबसे बड़ी संकट यही कि उनकी बात नहीं हो पा रही, सबसे बड़ा संकट यही कि उनको हम देख नहीं पा रहे, सबसे बड़ा संकट यही कि सब जगह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, सबसे बड़ा संकट यही कि सब तरफ से मुझे रोक दिया गया है, कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई साधन ही नहीं बचा उन तक पहुंचने का। तो आज वो सारे के सारे साधन प्रशस्त कर दिए जाएंगे और तुम्हें बेहतरीन बना दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। रातों रात किसी का विवाह तय हो गया हो, रातों रात तुम्हारा रिश्ता छूटने की ओर चल पड़ा हो, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो बिना किसी कारण के और बात नहीं कर रहा हो, अगर किसी भी वजह से आपसे कोई संबंध टूट गया है, आपके घर वालों की वजह से, परिवार वालों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, नातेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से, या आपकी भलाई की वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से, आपके किसी भी बिहेवियर की वजह से, नेचर की वजह से, या किसी प्रीवियस लाइफ की वजह से कोई रिश्ता टूट गया, अचानक कोई ऐसी बात हुई और आप सब जगह से ब्लॉक हो गए और कोई रास्ता बचा ही नहीं वहां तक पहुंचने का, उन तक पहुंचने के जो भी साधन थे, जो भी रास्ते थे, वो सबके सब ब्लॉक हो गए हैं, तो आज आपको एक ऐसा साधन बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल के कवर के पीछे ये वस्तु रख लीजिए, कुछ ही क्षण में वो अनब्लॉक करके आपको करेंगे कॉल। मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल के पीछे ये वस्तु लगा लेने मात्र से आपके फोन में उनका कॉल आएगा, वो खुद माफी मांगेंगे और आपका प्यार माफी मांगेगा, आपके सामने खड़ा होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। आपकी भी अगर गलती है उसके बावजूद भी आपको अपनाने के लिए बाध्य होगा। अगर कदाचित तुम किसी भी वजह से अपना रिश्ता खो बैठे हो और वो रिश्ता तुम्हारे लिए सब कुछ है, अगर तुम ये चाहते हो कि जो तुमसे दूर चला गया वो सिर्फ ये आकर के बता दे कि कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों हुआ ये सब कुछ, तो भी आज का दिन आपका है। ये करते ही उसके फोन में एक ऐसा अदृश्य शक्ति जाएगी जो उनके फोन में आपके नंबर को अनब्लॉक करेगी। आज ये चमत्कार, ये व्यवस्था, ये साधन लेकर क्या आपके सामने हाजिर हूं। बहुत समय से आप लोगों का ऐसा मानना है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मोबाइल के पीछे कुछ लगाने के लिए बताया, उससे लाखों लोग लाभान्वित हुए। Nobody can tell कि भैया हमारा काम नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया। अभी हमने उसी रिसर्च को और आगे बढ़ा करके उस दिन से आज तक उस विषय पर रिसर्च किया गया और आज फिर से उस बात को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज फिर मैं कह रहा हूं कि मोबाइल के पीछे ये वस्तु इस प्रकार से रख लेने मात्र से क्या होगा, आपके मोबाइल से निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। मोबाइल ही आज साधन है सबसे बड़ा, मोबाइल आज सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा कारण है प्यार आने और जाने में, दोनों ही कारणों के लिए। किसी का मैसेज कोई देख ले, कोई कॉल किसी का देख ले, कोई ऐसी बात सुन ले, कोई ऐसी बात समझ ले, आज नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल ही सबसे बड़ा साधन है प्यार लाने का और सबसे बड़ा साधन है प्यार को दूर ले जाने का। आज उन दोनों की दोनों परिस्थितियों को ठीक करने का साधन आपके सामने कह रहा हूं। संस्कृत में इसको जंगम दूरवाणी कहते हैं। हम सबके पास में अगर मोबाइल ना हो तो सांसें नहीं होंगी। सच मानो 24 घंटे के लिए अगर मोबाइल हटा दिया जाए, एक मूवी आई थी वो कोई 3.2 करके कोई रोबोट वाली रजनीकांत जी की, उसमें सत्य में वो दिखाया गया कि अगर मोबाइल जीवन से चला जाए तो समझिए पूरा जीवन रुक जाएगा। आज की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, एक एक व्यक्ति के पास दो दो मोबाइल हैं। देखो जो व्यापारी हैं, जिनका बड़ा काम है, जिनको बहुत आवश्यकता है, उनके पास तो है ही, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, यहां तक कि हो सकता खाने के लिए भी व्यवस्था करने में मुश्किल हो, उनके पास भी आपको दो नंबर तो मिल ही जाएंगे। किसी किसी के पास तीन तीन चार चार नंबर भी है। भाई व्यापार कोई नहीं है, बिजनेस कोई भी, नौकरी कोई भी नहीं, लेकिन नंबर चार है। क्यों जी? बोले एयरटेल अलग है, वोडा अलग है, जियो अलग है और फलाना अलग है, जितनी कंपनियां उतने फोन। तो इतना बड़ा व्यापार प्यार के लिए फैला रखा है जिन लोगों ने, उनको सावधान करने के लिए आया हूं। सीधा लेकर के चलते हैं आपको उपाय की ओर। मैं कह रहा हूं कि आज ये सरलता, ये सहजता से किया हुआ उपाय आपको सब कुछ प्रदान करेगा। आपको चाहिए एक चार अंगुल का पीला कपड़ा और चार अंगुल का लाल कपड़ा। अब आपको करना यह है कि लाल और पीले कपड़ों को दोनों को पहले दिन अपने ही हाथ से चार चार अंगुल का नाप करके
कट करके बराबर बराबर के, दूध, गंगा जल, गौमूत्र, गाय गोबर, गाय का घी, ये पांचों चीजों को मिला करके एक बार उनको डिप करके थोड़ा सा निचोड़ करके थोड़ा हल्का सा साफ जितना हो जाए, पानी नहीं डालिएगा, ऐसे ही रखिएगा और उन्हें सुखा लीजिए। जब वो पूरी तरह से सूख जाए, सूखने के बाद अपनी पांचों उंगलियों से एक साथ चुटकी से, पूरी मुट्ठी से नहीं, चुटकी से जितनी भी सौंफ आ जाए उस सौंफ को रख करके चारों तरफ से उसे सिल दीजिए, यानी उसकी झोली बना दीजिए, चारों तरफ से सिल के उसका मुंह बंद कर दीजिए और बस इस पैकेट को अपने फोन के कवर के अंदर रखना है आपको। ये काम आप शनिवार, मंगलवार, रविवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे तो सातों दिन में से कोई दिक्कत नहीं, पर इन दिनों में ज्यादा काम करता है। एक बार रख करके कम से कम 25 दिन तक रखे रहिएगा, उसके बाद चेंज करिएगा। भगवान ने चाहा तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहली ही बार में आपको बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप ये रेगुलर चेंज करते भी रहते हो तो आपके लिए बुराई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, इससे निगेटिव रेजेस नहीं आती, मोबाइल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं होती, मोबाइल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आप तक पहुंचती, और उसकी जो निगेटिव चीजें हैं जो भी प्रकार की, चाहे वास्तु से रिलेटेड हो, चाहे रेजेस से रिलेटेड हो, चाहे विज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे शारीरिक तकलीफों से रिलेटेड हो, वो सब समाप्त हो जाती है। खूब मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, अपने इष्ट और अपने गुरु के प्रति खूब श्रद्धा विश्वास रखना, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं, गुरु का आदेश निश्चित तौर पर आपको चाहिए होगा। अपना बहुत ध्यान रखना, मुस्कुराना, पानी पड़ना, पीना, सुंदर बनना, अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ में, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है, 21 दिन खराब होते हैं एक बार रोने से। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं। छोड़कर जा रहा हूं तो मैं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।